ओ ये देखो रजब की गाड़ी का तोड़ दिया इन्होंने, ये तो अभी कल पीपीएफ कराया उसने। उसका बेड़ा घर कर दिया एल बी पिंक कलर का, भाई एल बी पिंक कलर का करा दिया है, नानी वाला कलर, दोस्त के पैसे का खाना। यार ये वली का हार स्वेल हो गया, ये देखो यहाँ से सारा गिरा है बेचारे, वो देखो गोड्डा भी इसका जो है ना फ्रैक्चर हो गया। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्या चल है, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, खाना खुना खाया है, साग सूख खाया, भाई साग का मौसम आ गया, आज मैंने भी खाया, बड़े मजे का था यार, स्वादी किस्म का। आप लोगों को तो पता ही होगा आपके भाई की टांग टूट गई थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो आज आपके भाई के अंदर एनर्जी आ चुकी थी, मैंने कहा यार चलते हैं और व्लॉग शूट करते हैं। तो कैसे हो भाई आप सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, आपके बाद इसी तरह की एनर्जी आएगी सारे व्लॉगों के अंदर, क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। आप लोगों ने यार डिसअपॉइंट नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यार। आप लोगों को अगर पता नहीं है कि मेरी टांग टूट गई थी तो उसका व्लॉग जाके देखना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अभी मैं तुम लोगों को जो है टांग का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि भाई टांग अभी किस हालत में है। ओके जी, ये देखो अभी तक स्वेलन नहीं खत्म हो रही, जूती को इग्नोर मारो भाई, मैं एमए पहन के आ गया हूँ। ये देखो जी, जाऊँ तो मैं यार कहाँ जाऊँ, फिर भी तुम लोगों के लिए मैंने जो है ना व्लॉग बना लिया है, मैंने कहा व्लॉग श्लॉग बनाते हैं और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेल आइकन में क्लिक कर दो ताकि तुम लोग को आने वाले तमाम इसी एनर्जी के साथ व्लॉग देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। मुझे लग रहा है मैं तीसरी दफा बोल चुका हूँ, कर दो ना यार फटाफट से इंट्रो को शूट करके आगे का व्लॉग, जो मजे का व्लॉग, जो इंटरेस्टिंग व्लॉग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से मजे करोगे, फिट फाट होगी, तबियत वगैरह ठीक होगी। अगर अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन में क्लिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चौथी दफा बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये इंट्रो का पार्ट है, सॉरी यार। यार बारबी डॉल ये क्या काम है, ये कुड़िया वाले काम तू फाड़ लेने दाऊद, यार यार कोई लड़कियां वाला काम कर यार, है की ये ए देखो बारबी, यार दाऊद यार क्या है यार, नहीं आपका भाई अब जो है ना रेगुलर हो जाएगा और डेली डेली या नहीं तो करेंगे, डेली तो व्लॉगिंग होगी, है की ये लै जी, इतने काम ही उल्टा है भाई, इसने लड़कों वाली साइकिल रखी है, वो कुड़िया नहीं लेके फेर रहे है यार, क्या कहूँ मैं यार। कोई बात नहीं भाई, हम बाइक ही चलाएंगे, अभी भी हमें अभी भी इज्जत राज नहीं आई, तो यार अंदर चलते हैं और आगे चलते हैं। ओ, 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 यार देखो भाई बाइक ही आपकी है ना दहशत, आप मेरे व्लॉग कितने देखती हैं? मैं आपके व्लॉग सारे देखती हूँ लेकिन आपके व्लॉग बड़े छपरी होते हैं यार, भाई मेरे अंदर की है, सारे मुझे देख के हंसी जा रहे हैं, तो कुड़िया वाला साइकिल लेके मेरे घर, तू तो पहले सुन तो ले, क्या बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ लड़कों वाली साइकिल लेके फिर सारे तेन देखेंगे ना, बड़ी मनहूस पंजाबी है भाई, यहाँ से निकलना बेटा, देख साढ़े घर दे विच बड़ी जा रहा है, इत्थे आ रहा तेनू मैं दसना, ओए एक और भी सी, ओए इधर आनी तेनू मैं दसना, इसकी ना ये गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है लिया ना, ये इसकी गर्लफ्रेंड है बिल्ले की, बिल्ला बड़ा तेज है भाई। ओके जी अभी हम आए पानी भरने, पानी पुनी भर के अभी हम जाएंगे मेन मार्केट, वहाँ जाके हम पियेंगे एक मजेदार सूप, अभी चलते हैं बोतल अंदर रखवाते हैं। ओके जी पानी भर लिया, अब निकलते हैं यार आगे, जी हम घर आ गए हैं और मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे मतलब हुकूमत के बारे में कोई गलत बात नहीं की, मगर बस हुकूमत ऑफ पंजाब के बारे में बात की तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप ही बंद कर दिया। अब 7 घंटे में SMS आना है और मिस कॉल के 2 मिनट का टाइम आ रहा है, मगर इससे कुछ भी नहीं होना, ठीक है मेरा व्हाट्सएप लॉगिन ही नहीं हो रहा, पड़ गया प्रोग्राम, अभी सोते हैं बाकी सुबह तुम लोगों से मिलेंगे। ये देखो ये नंबर है मेरा, ये नंबर लगाया हुआ है मगर ये देखो वाड़ गया बस। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं जाने लगा हूँ राणा वली की तरफ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, चलते हैं वहाँ जाकर शुक्र मेला लगाते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, चलते हैं फटाफट से, बाइक हमने स्टार्ट कर लेते हैं, बाइक फिर से चलाना स्टार्ट कर दिया, पहुँचते हैं वहाँ जाके मिलते हैं। इसका बेड़ा घर कर दिया एल बी पिंक कलर का, भाई एल बी पिंक कलर का करा दिया है, नानी वाला कलर। अच्छा जी अभी मैंने आपको गाड़ी दिखाई है पिंक कलर की विट्स, उसके अंदर 15-16 साल की लड़की चला रही थी, जाके उसने सीधा रेडी में मारी है, अभी हम राणा वली से घर पहुँच चुके हैं,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार वरीद, आज मैं तेरे पास एक जरूरी बात करना है, अपने दिल को थाम ले यार, मुझे एक बात बता। को छोड़, चल मेरे साथ, काम है। कहाँ जाना है? चल तो वो जरूरी बात है, पहले बात तो कर ले। मेरा ज्यादा जरूरी काम है, चला चल। पहले बता कहाँ जाना है, चलते हैं। बता दे तो क्या हो गया है। वरीद लेके जा रहा है कहीं पे, अगर हो इन तू सीट छाट देती, पांच जगह तूने ले ली है, तब तक तू मुझे बताएगा नहीं ना काम क्या है, तब तक मैं नहीं जाने वाला। आप बता दूंगा यार, क्या होगा यार। यार वलीद बता यार, क्या बात है। अपने दिल को थाम लो पहले। थाम लिया, ये लो थाम। यहाँ पे आने वाला वो बता दूंगा क्यों आने वाला। बताओ यार, अपने दिल को थाम लो पहले। थाम लिया मैंने। यहाँ पे आने वाला इस टाइम रजब भट्ट, इधर इस रोड पे आने वाला है। इस रोड पे आने वाला है अभी। इधर क्या करने आएगा? स्टोरी नहीं देखी तुमने? नहीं मैंने नहीं देखी। यहाँ पे आने वाला 7 बजे, यहाँ पर आएगा वो। यार सही सी बता कहाँ पे आना है। उसने आना ब्रांडेड कट पीस जो वादत रोड पे है ना, वहाँ पर। वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ पे आ रहा है। हाँ तो वहाँ पर आ रहा है, इसलिए मैंने तो बुलाया था। खुद तो तू कहते मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, आ चले। यार मैं जाने के लिए कुछ नहीं, मुझे मसला, मेरा ये मसला को टांग पे चढ़ गया तो मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो पाएगी। मैं साथ हूँ, मैं तेरी टांग पर किसी को पास भी नहीं आने दूंगा। ठीक है यार, चलते हैं फिर रजब भट्ट के पास। अभी पता नहीं आया नहीं आया, कितना रश है। पहले कॉफी पीने चले। कॉफी पीने? कॉफी पीने चलते, बाद में चलेंगे यार। रात तो यार मजा नहीं आया, 2 घंटे बने, पहले कॉफी पीने चलते हैं। मसला पता है क्या, मेरा हेलमेट रह गया था स्कूल के अंदर। तो क्या हो गया, कुछ नहीं तो वो हेलमेट वगैरह पकड़ लेगा कोई। स्कूल में कब रह गया वो? तू जब आया ही नहीं था कलर डे पे। हाँ तब रह गया। चला पहले कॉफी पीने चलते हैं। रजब भट्ट के बाद हम चले जाएंगे। अभी हम आए हैं जी शवारमा वगैरह खाने के लिए, वलीद हमें खिला रहा है। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना भाई, दोस्त के पैसे का खाना। खाना आता है, चलते हैं भाई। शवारमे वगैरह आ गए, वलीद ने सबसे बड़े वाला पकड़ लिया है। नहीं सेम है। सेम नहीं, तुमने बड़े वाला पकड़ा है। देखे ओ ना ना पागल आदमी। कैसा है भाई? आप लोग बात बताओ, पहले खाना फिर काम दूजा, ये याद रखना। जो जी अभी हम यहाँ पे आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, चल दो अब चलते हैं भाई बट भट्ट के पास। यहाँ पे स्टेज रेडी है, ठीक है। ये देखो कैसा लग रहा है यार, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेज बोलो ना, एक्साइटमेंट हो रही है भाई। वलीद का पसीना छूट गया और रश जो है ना आ गया भाई, रश बढ़ता ही जा रहा है, मगर रजब नहीं आ रहा। होट वेलकम करना है तुमने, कपड़े उतार देना अपने। इस तरह आगे रश हुआ है ना, आगे से मेरे ख्याल में नहीं आएगा, तो पीछे वाले गेट से शायद आए। हम भी वेट कर रहे हैं, अंकल भी वेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये सारे भैया माँ भी वेट कर रहे हैं। तुम कर रहे हो? ये हमारी नानी को कपड़े चाहिए आपके शॉप से। वलीद से कहने में मैं इधर आया हूँ, मगर वो आ ही नहीं रहा। वजह से मैं आया हूँ तेरी वजह से, वो आ नहीं रहा भाई। चले भाई टेबलों पर चढ़ रही हैं, हम भी चढ़ जाते हैं। अभी मांडो अगर आया तो वापिस लेंगे।
यार अभी हमें बाहर निकाल दिया मेरे जब ऊपर है, अभी नाम चलते हैं उधर इसी तरह। नहीं देख रहे हो तुसी? हां वो ये देखो रजब की गाड़ी को तोड़ दी इन्होंने, ये तो अभी कल पीपीएफ कराया उसने भाई, इसकी वजह से पुलिस वालों ने सोटे तक मार दिए। मतलब हमें तो नहीं पड़े, पुलिस वाले आ गए सोटे लेके और बंदों को भगा रहे हैं। कैसे भाग के आए हैं यार? ओए पड़े पासे नहीं आ रहे, मैं अपनी टूटी हुई टांगे से ओए भाई आए हैं। वो इधर ये देखो, वो सामने पुलिस वाले आए हुए हैं। वो ये सामने आओ, आपको दिखाता हूँ, सोटियाँ मार रहे हैं और हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। आओ वो देखो, वो मार रहा है। ये देखो भाई, ये देखो यार, ये वली का हाथ स्वेल हो गया। ये देखो यहाँ से सारा गिरा है बेचारे, वो देखो गोड्डा बीच का जो है ना फ्रैक्चर हो गया। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं घर। अब मैं तो लोगों को बताता हूँ सारा उसके मीटअप का सीन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और रजब किस तरह का। पहली बात, हम वहां चले गए, कोई रश नहीं था। 7 बजे, पूरे 7 बजे बहुत लोग आ गए जब रजब पहुंचा है। जैसे ही रजब आया है तो वो डायरेक्ट अंदर आया है। अंदर आने के बाद उस सबसे मिला, मैंने भी उसे मिला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि लड़के थे, वो लड़कियों की तरफ जा रहे थे तो लड़कियाँ तंग हो रही थी, तो उनकी जो इंतजामिया थी उन्होंने लड़कों को बाहर निकाल दिया, ठीक है। लड़कों को उन्होंने निकाल दिया बाहर, फिर रजब ऊपर चला गया, रजब नीचे नहीं आया। गिव अवे रजब करने लगा था मगर गिव अवे नहीं हो पाया, क्योंकि 2-3 ऐसे घटिया बंदे अंदर थे जो नहीं करने दे रहे थे। और वहाँ की इंतजामिया ने एक बंदा था उसको मार मार के, उसको मार मार के बाहर निकाला। उसके बाहर जाने के बाद हम खड़े रहे, मेरी जो बाइक थी वो वहाँ पर रश में फंसी हुई थी और वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो हम वहाँ से बाइक को नहीं निकाल सकते थे, हम मतलब वहाँ से नहीं जा सकते थे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले हाथ डंडे ले आए, डंडे उन्होंने मारे सबको, उसके अंदर हम भी भागे और वली नीचे गिर गया और उसका हाथ और गोडा फुली छिल गया और उसका स्वेल हो चुका है। उसके बाद जैसे इंतजामिया ने वो सारा रोड खाली करवाया पुलिस वालों ने, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी बाइक निकाली और मैं उसको घर छोड़ के वली को यहाँ पर आ गया। रजब अभी भी वहाँ पर ही है स्टक, ठीक है। तो वैसे अगर रजब की बात की जाए, रजब दिल का बहुत अच्छा है, उसने बड़ी जो माएँ थी उनसे प्यार लिया और उसने सबसे हंसी खुशी जो है ना सलाम दुआ की। और मैंने वैसे भी नहीं जाना था, मुझे वली लेके गया, मेरे को क्योंकि टांग का मसला आप लोगों को पता है, और अल्लाह का शुक्र है कोई मेरी टांग पे नहीं चढ़ा। वैसे दिन बहुत मज़े का गुजरा है, तो कभी जाएंगे रजब के घर या किसी के और भी घर। बहुत मज़े का था आज का दिन, और वहाँ पे छोटा डकी भाई भी था, बासित आगा भी था, उसके बाद शैजी था, हैदर था, मान डोगर था, सारे थे। शैजी और जो हैदर वो तो ऊपर चले गए, वो नीचे आए ही नहीं, तो उनसे हम नहीं मुलाकात कर सके, मगर रजब बट जो था वो आया था। तो बाकी अभी हम इस व्लॉग को एंड करते हैं जी, और यह जो व्लॉग है ये सेम डे ही आ रहा है, मतलब जिस दिन मीटअप हुआ, जिस दिन रजब यहाँ पे आया है ना, उसी दिन ये व्लॉग अपलोड हो रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और आगे आने वाले मजे मजे के व्लॉगों के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो आज के व्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।